हे गाइस, वेलकम हो गया आप लोगों का मेरे ब्लॉग में। आज मौसम चुस्त और मस्त हो रखा है। आज दीदी लोग आ रखे हैं, आज बनेंगे मस्त वाले पकोड़े, आप लोगों को दिखाते हैं। तो दीदी खीमा और भाभी लोग आ रखे हैं, तो दिखाते हैं आप लोगों को। तो हमार दोनों भाभियाँ बना रही हैं पकोड़े, और गर्मा गर्म पकौड़े बिल्कुल मस्त वाले। देखो फ्राई हो रहे हैं बाहर चूल्हे में, इसलिए बना रहे हैं, गैस की बचत कर रहे हैं और मस्त क्रिस्पी बना रहे हैं। यहाँ बैठे हमारे सारे सज्जन लोग, मम्मी पापा दीदी सोनी खीमा और बच्चे लोग भी सारी पार्टी बैठी हुई है। यहाँ खाने का वेट कर रहे हैं कब बने और कब खाएं। तो अब आ गया है हमारा वो वक्त पकौड़े खाने का, चाय के साथ गर्मा गर्म, और बिल्कुल सब लोग खा रहे हैं। और ये दोनों अभी भी बनाने में ही है, इनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मैंने पकौड़े खा लिए थे, मैंने सोचा मैं हेल्प करता हूँ, मैं पकौड़े बनाने के लिए बैठ गया हूँ और वो लोग खाने लग गए हैं। तो भाभी लोग भी आप पकौड़े खाने के लिए बैठ गए हैं, मैंने खा लिए थे तो मैंने बोला मैं बना लेता हूँ पकौड़े। तो मेरा थोपड़ा कुछ ऐसे चमक रहा है देखो, और वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है मेरे से। मैं यहाँ गर्मी में मतलब बना रहा हूँ पकौड़े। हम चल रहे हैं, तो हम जा रहे हैं नीचे वाले घर इन लोगों को छोड़ने के लिए, क्योंकि उनके पास एक ही बाइक है, एक बाइक में सारे लोग आ नहीं पाएंगे, तो इसमें जाएंगे तीन। तो मेरी बाइक में भी जाएंगे तीन, भाभी और खीमा। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।